मुंबई अनलॉक होने के बाद पुणे का लॉकडाउन खोलने का निर्णय पुणे नगर निगम पर छोड़ दिया गया था और 9 अगस्त को पुणे में भी प्रतिबंधों में ढील दे दी गई थी। हालांकि मुंबई में स्वतंत्रता दिवस के दिन मुंबई कर को लोकल में जाने की आज़ादी दे दी गई थी और केवल 2 डोज लिए नागरिक ही लोकल ट्रेन में प्रवास कर सकते हैं। मुंबई के बाद अब पुणे में भी लोकल ट्रेनें शुरू की गई है। यह लोकल ट्रेन 17 अगस्त से पुणे में शुरू की गई है। केवल उन्हीं नागरिकों को पुणे लोकल सर्विस करने की इजाजत होगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगवा चुके हैं। अद्याप तरी आणखी एकही पास नाही आलेला, लोकांनी येऊन चौकशी वगैरे करून गेलेत, तर आता जर जसं लोकांना कळेल तसं तसं लोकांची इथं रांग लागून आदेश आले का पासेस घेऊन लोकलमध्ये त्यांना प्रवास करून? नाही, आम्हाला असे काही प्रकारचे आदेश नाही आहेत। आम्हाला फक्त हे आदेश आलेत की त्यांचं सर्टिफिकेशन चेक करायचं आहे, त्यांचं एखादा फोटो आय डी बघायचा आहे, चेक करायचा आहे आणि त्याच्यानंतर त्यांच्या फोटो आय डी त्यांच्या सर्टिफिकेटवरती आम्हाला अप्रूव्ड म्हणून शिक्का मारायचा, एवढे सध्या आम्हाला आदेश आहे। उसका हमारा सीनियर डीसीएम पूना मंडल के जो हमारे ऑफिसर हैं उनके एसओपी जो जाहिर हुआ उसके अनुसार हमारा कॉरपोरेशन से जो टाई अप हुआ है उनके लोग यहाँ आएंगे और जो हमारे प्रवासी हैं उनके पास आधार कार्ड और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चाहिए जिसके आधार पर वो वैक्सीनेशन का जो 14 दिन का पहले लगाया होगा वो सर्टिफिकेट होना चाहिए और उनका आधार कार्ड आईडी प्रूफ होने के बाद वो यहाँ इनको दिखाएंगे और उसके बेस के ऊपर वो सर्टिफिकेट मिलेगा और हमारा रेलवे का सीजन टिकट उनको मिलेगा। ये सुविधा बहुत ही अच्छी प्रोग्रामिंग की है जो हमारे प्रशासन ने और स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र ने जो किया वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। रोजी महाराष्ट्र शासन ने 2 डोस घेणाऱ्यांना आणि शेवटचा डोस कमीत कमी 14 दिवसापूर्वी ज्या लोकांनी घेतलेला आहे त्यांच्यासाठी लोकल सुरू केल्या। मुंबईमध्ये 15 ऑगस्टपासून लोकल सुरू झाली, पुण्यातली लोकल ही अजून सुरू होणार आहे आणि मान्यता मिळालेली आहे। पुणे कॉर्पोरेशननं आजपासून प्रवाशांच्यासाठी डोसची सर्टिफाईड कॉपी ही देण्यासाठी सुरुवात केलेली आहे। प्रवाशांनी आपले 2 डोस झालेले आहेत ते सर्टिफाईड कॉपी द्यावी आणि त्यांच्याकडनं सर्टिफाईड करून घ्यावी, ओरिजिनल आधार कार्ड दाखवावं। पुणे ते लोणावळ्याहून ही लोकल ही दौंड नगर सातारापर्यंत विस्तार केला गेला पाहिजे, बारामतीपर्यंत पण ही जाऊ शकते। ऐसा आदेश जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख ने जारी किया है, लेकिन इसके लिए एक पास जरूरी होने जा रहा है। जिन लोगों ने 2 डोज ले चुकी है उन्हें सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा और पास लेकर ही प्रवास करना पड़ेगा, अन्यथा लोकल में प्रवेश नहीं मिलेगा। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई।